बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है वो प्रीवियस वीडियो की कंटिन्यूएशन में है और इसमें मैं मॉड्यूलस का प्रोग्राम लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि आया एक नंबर जो यूज़र ने एंटर किया है वो ऑड है या इवन है। ठीक है, लेकिन इसको करने के लिए आपको इफ़ और एल्स कंडीशंस का पता होना चाहिए, और वो अगर आपने मेरी वीडियो देखी है इफ़ एंड एल्स वाली तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम, वरना अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप इफ़ और एल्स वाली वीडियो पहले देख लें ताकि वो आपको समझ में आ जाए, तो फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं मॉड्यूलस और इफ़ और एल्स दोनों मिला के एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ ताकि उस तरीके से हमें समझ में आ जाए कि मॉड्यूलस का भी ऑपरेशन क्या है और इफ़ और एल्स को कंडीशंस को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और चेक करते हैं कि प्रोग्राम जो है वो आपका ऑड है या इवन है। ये मैंने एक स्केलेटन या कह लें कि स्निपेट जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है कि कभी भी मैं कोई प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ ये ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखूँगा इस प्रोग्राम को, तो आपको इस प्रोग्राम के थ्रू आपको जो है वो समझ में आएगा कि हर प्रोग्राम को लिखने का डिफरेंट अंदाज़ होता है, हर प्रोग्रामर अलग तरीके से लिखते हैं चीज़ों को। तो मैंने यूजिंग नेम स्पेस को मैंने हटा दिया, ये भी मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि यूजिंग नेम स्पेस जो है वो बेसिकली एक इनपुट आउटपुट स्ट्रीम जो है इसकी लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए, कि ये जो मतलब हमने जो ये मेन फंक्शन लिखा हुआ है अगर हम इससे पहले यहाँ यूजिंग नेम स्पेस लिख दें तो कहने का मकसद ये होगा कि इस प्रोग्राम इस फंक्शन के अंदर जो है वो स्टैंडर्ड जो है नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करो। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस मैं समझता हूँ नहीं है, गुड इसमें काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स होता है, लेकिन ये एक अच्छी कह लें कि गुड एथिक्स या गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है कि आप यूजिंग नेम स्पेस यूज़ करें। हाँ, फॉर लर्निंग पर्पजेज यू कैन, क्योंकि छोटे प्रोग्राम आप लिख रहे हैं तो उस पर आप स्टैंडर्ड कर सकते हैं, लेकिन कल को अगर आप यहाँ पर कोई हेडर लिखेंगे, कोई डिफरेंट हेडर, सी मैथ्स हो या कोई भी हो, डिफरेंट हम हेडर्स यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर कोई एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा कोई सॉरी फंक्शन है, नॉट प्रोग्राम, ऐसा कोई फंक्शन है जिसका नाम सेम हो इस वाले हेडर के साथ, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे तो इसलिए एक इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं इसको हटा के मैं लिखूंगा ताकि आप लोगों को इसका भी आइडिया हो कि हम क्यों ये करते हैं या हम इसके बगैर भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, और एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि इसको हम यूज़ ना करें। लेकिन फिलहाल 201 के कोर्स के अंदर आप लोग ये यूजिंग नेम स्पेस को आप यूज़ करें, कोई ऐसी मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, ये सीखने के लिए इट्स ओके। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट टाइप का और उसको हम कह देते हैं नंबर, और इसको मैंने वैल्यू असाइन की ज़ीरो, कि इसको मैंने जो है वो कह लें कि इनिशियलाइज इसको। जब कभी भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसी के अंदर आप जो है वो उसको वैल्यू को जो है आप इनिशियलाइज कर देते हैं ज़ीरो, इसको आप इनिशियलाइजेशन करते हैं, इसको आप असाइनमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप असाइनमेंट नहीं करेंगे कि आप नंबर को आपने ज़ीरो असाइन किया, नो नो, आप नंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं ज़ीरो के साथ। ये एक अच्छी गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं। अब मैं कहता हूँ कि एक मैं डिक्लेयर कराना चाहता हूँ प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कराना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जो हमसे ये पूछेगी कि प्लीज़ एंटर द नंबर टू बी चेक्ड फॉर इवन और ऑड। ठीक है, स्पेस दिया, और अगेन हमेशा की तरह इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए आप सेमी कॉलन लगाएंगे। ये मैं बार बार अब इसके बाद से मैं ये ऑटोमेटिकली ये लिखूंगा, मैं इसको दोबारा से डिफाइन नहीं करूंगा कि इसको सेमी कॉलन लगाना है। ठीक हो गया, ये आपके पास प्रॉम्प्ट आ जाएगी और ये आप ले लेंगे यूज़र से इनपुट इसके अंदर नंबर में। ठीक हो गया, नंबर आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये नंबर इवन है कि ऑड है। इफ नंबर मॉड्यूलस डिविजिबल बाय टू, अब ये देखें कि अगर टू से फुली डिविजिबल होगा तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर में क्या आएगा, जीरो आएगा, और अगर डिविजिबल बाय टू नहीं होगा
तो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ आएगा। तो हम इसी कंडीशन को चेक करेंगे कि अगर जीरो आता है रिमाइंडर में तो इवन है, और अगर जीरो रिमाइंडर में नहीं आता तो इवन नहीं है। अब देखें कि इसको चेक करने के लिए क्या होता है, ये गौर से देखिएगा कि यहाँ पर मैंने लगाया इक्वल्स का साइन और दोबारा इक्वल्स का साइन, डबल इक्वल्स का साइन, और इसको मैंने कहा कि अगर ये जीरो के बराबर है। आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जब कभी भी आपको चेक करना हो कि ये कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल किसी के बराबर है तो आप डबल इक्वल्स का साइन लगाते हैं। अगर आप सिंगल इक्वल का लगाएंगे तो वो आप असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा ये, आप यानी कि वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वो उसके बराबर है या नहीं है तो उसके लिए हम जो है वो आपका इक्वल्स का साइन लगा, डबल इक्वल्स का साइन लगाएंगे। ठीक हो गई बात। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई टू और उसका रिमाइंडर जीरो आए तो क्या होगा, सॉरी ये इफ नंबर डिविजिबल बाई टू इक्वल्स टू जीरो तो क्या करो, डिस्प्ले कर दो कि द नंबर एंटर्ड इज इवन। ठीक हो गई बात। और यहां पर मैं लगा देता हूँ एक न्यू लाइन ताकि वो नई लाइन से स्टार्ट हो, गैप आ जाए, ठीक है। और फिर यहां पर मैं लिख देता हूँ एल्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर बराबर नहीं है तो क्या लिखो, लिखो कि भाई ये जो है द नंबर एंटर्ड इज ऑड, और ये आपका जनाब टर्मिनेट कर दिया, ये आपका प्रोग्राम हो गया। आप कंपाइल करके देखते कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये कंपाइल नहीं हुआ। क्यों कंपाइल नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी लर्निंग हुई हमारी, क्यों कंपाइल नहीं हुआ, देखिए मैंने सिर्फ सी आउट लिखा, मैंने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, अब सी आउट को क्या पता कि सी की कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हो रही है, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ हो रही है और कौन सा स्टैंडर्ड है। ये देखें यहाँ पे इसने कह दिया कि सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, तो इसको करने के लिए जनाब आप लिखेंगे स्टैंडर्ड, और यहाँ पर ये जानबूझ के मैंने किया है ताकि आप इस तरह देख लें, वरना हम मैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस भी आराम से कर सकता था, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ये मैंने इसको कर लिया। अब करके देखते हैं कंपाइल की क्या हुआ, ये कंपाइल हो गया, ठीक हो गई बात। ये छोटा सा प्रोग्राम है, अब मैं लिखता हूँ कोई भी नंबर है, लेट सपोज 5। अब 5 हमें पता है कि ये ऑड है, तो देखें हमें क्या दिखाएगा, द नंबर इज ऑड। इसी तरीके से मैं दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ और लिखता हूँ 2। 2 मुझे पता है कि 2 इवन होता है, तो 2 में क्या दिखाएगा, इवन दिखा रहा है, सही हो गई बात, बहुत आसान, ये आपका प्रोग्राम हो गया। अच्छा अब एक छोटी सी चीज़ और करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ टर्नरी ऑपरेटर्स के इसी चीज़ को हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से मैंने होगा वो भी इफ और एल्स ही कंडीशन, इफ एल्स ही होगा, लेकिन आप जो है वो इसको डिफरेंट तरीके से देखें। ये देखें ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, मैं सब डिलीट कर दिया, सब डिलीट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैंने देखा कि ये लगाई मैंने कंडीशन, आपकी कंडीशन, इसके आगे मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क कि ये कंडीशन अगर सही है तो ये कर दो, वरना वरना, अब देखिए वरना के लिए मैंने फुल कॉलन लगाया और ये कर दो। अब ये एक लाइन के अंदर आपका पूरा इफ एल्सी कंडीशन आ गई, ठीक है। और देखिए प्रोग्राम कितना छोटा हो गया। अब कंपाइल करके देखें, ये कंपाइल हो गया, रन करके देखें वही चीज। अब मैं नंबर बताता हूँ जी 137 ऑड है, ऑड आ गया, ठीक हो गया। फिर मैंने कंपाइल किया और रन किया, नंबर लिखा 122 इवन है, इवन हो गया। देखिए ये वही चीज डिफरेंट तरीके से मैंने आपको करके दिखा दी, ठीक होगी बात। होपफुली आपने ये वाला सेशन एंजॉय किया होगा, और इंशाल्लाह फिर अब मिलते हैं दोबारा किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ। थैंक यू वेरी मच।